हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे लगा सब ठीक ही होंगे। अच्छा, आज मैं आपसे योग के तीन आसन के बारे में बात करूंगा, और वो बात करूंगा उन आसनों की जो आपकी निजी लाइफ में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आज बात करूंगा पेट रोग के आसन की। ओके, पेट के लिए क्या क्या आसन करना चाहिए और हमारे पेट के लिए पाचन क्रिया के लिए क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से और इन योग के आसन से मैं आपको तीन आसन आज बताऊंगा। पहले हम करेंगे उत्पाद आसन के बाद हम करेंगे पवन मुक्त आसन के बाद हम करेंगे मत्स्य त्रास आसन। ओके, मत्स्य त्रास आसन करेंगे हम। ये तीन आसन आज हम करेंगे, तो ये तीनों आसन हम लोग करेंगे बिल्कुल नॉर्मली तरीके से, और तीनों आसन के करने के कारण क्या है वो हमें पेट के लिए करना जरूरी है। मैं आपको तीन आसन बताऊंगा। इन तीन आसन को करने के बाद आपके नॉर्मली पाचन क्रिया बहुत स्ट्रांग होगी। मैं आपको अभी बताता हूं उत्पाद आसन हमें करने के लिए कुछ नहीं करना है। नॉर्मली हमें नीचे बैठ जाना है, इस तरीके से लेट जाना है। ये इस तरीके से हम लेट गए, उसके बाद आपको उत्पाद आसन करने के लिए सबसे पहले अपने हैंड्स को क्रॉस करना पड़ेगा। राइट हैंड्स लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे क्रॉस करना है। इन दोनों को अपने लेग्स को पास में मिला लेना है इस तरीके से। उसके बाद इनको 60 डिग्री को इस तरीके से आपको उठा के यहां पर रखना है। 60 डिग्री में आपको इस तरीके से अपने आप को होल्ड करके रखना है उत्तानपाद आसन में इस तरीके से। नॉर्मली मैं आपको ये अभी साइड ऑन बताया है, मैं अब आपको सामने स्ट्रेट तरीके से भी मैं बताऊंगा उत्पाद आसन। मैं बता रहा हूं अभी आपके हैंड्स को क्रॉस करना है राइट वाला लेफ्ट पे, लेफ्ट वाला राइट शोल्डर पे। ओके, उसके बाद आपको लेट जाना है और आपको 60 डिग्री का एक कोण बनाना है इस तरीके से। ये उत्पाद आसन है, और यही नॉर्मली मैं इस साइड ऑन से भी मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मली फिर अगेन बोल रहा हूं राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। ओके यस, 60 डिग्री ये। उत्पाद आसन के बाद में आऊंगा आपके पास पवनसूत आसन पे। कौन से आसन पे? पवनसूत आसन करने के बाद हम करेंगे आसन। ओके, ये देखिए पवनसूत आसन करने का सीधा तरीका है, नॉर्मली है। इसमें इस आसन में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। ये नॉर्मली है पवनसूत आसन। इस तरीके से आप लेट जाएंगे, इस तरीके से अपने हैंड्स को यहां पर लॉक कर लेंगे, और इस तरीके से आपकी जो ये वाली प्रक्रिया पैरों की, इसको आपको ऊपर टो करना स्ट्रेट इस तरीके से, और आपको हेड यहां पर इस तरीके से देखना है सामने। ये पवन मुक्त आसन, ये आपको मैंने अभी साइड ऑन करा है। अगेन इस साइड से भी मैं आपको बताऊंगा। ये इस तरीके से हम लेट गए नॉर्मल, उसके बाद हैंड्स को यहां पर लॉक करा, और उसके बाद मूवमेंट ये स्ट्रेट हेड इस तरीके से उठा के हमको पवन मुक्त आसन में रखना है। ये साइड ऑन दोनों साइड से मैंने आपको कर दिया, लेफ्ट से और राइट से। अब मैं आपको सामने से करके दिखाता हूं। ये स्ट्रेट हमारी इन दोनों को मिला के ऊपर स्ट्रेट पीछे खींचना है, हेड की पोजिशन ये है पवन मुक्त आसन। ये कौन सा आसन है? पवन मुक्त आसन हम लोगों ने अभी करा। अब हम करेंगे मुस्तक्य आसन। ये बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, पर आप लोग कर सकते हैं, ये मुझे पता है। आप लोग को अपने लेग्स को क्रॉस करना है इस तरीके से। नॉर्मली ये आपने इधर करा, ये आपने और ये इधर करा, ये आपने इधर करा, इस तरीके से आपने अपने लेग्स को कर दिया है। दोनों को क्रॉस करना है एक दूसरे के ऊपर,
हाथों का मूवमेंट ये रखना है स्ट्रेट और पैसे के पीछे लेट जाना है और हाथों की मूवमेंट को आपको ऐसा रखना है इस आसन में। ओके, ये मैं आपको स्ट्रेट करके दिखा रहा हूं, अब यही मैं आपको साइड ऑन करके दिखाऊंगा। ये वाला आसन मैं आपको साइड ऑन करके दिखाऊंगा। ओके, ये नॉर्मली हम साइड ऑन हुए, नॉर्मली हम बैठे इस तरीके से, हम लोगों ने पैर को पहले क्रॉस करा है इसको इधर और लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर थाई पे, ये इस तरीके से। ओके, ये हमने दोनों को ऐसा कर दिया है। अब हम हमारी हाथों की पोजीशन को इस तरीके से रखेंगे, तेरे पीछे लेट जाएंगे, ये नॉर्मली हमें जितनी देर आपसे हो सकता है आप उतनी देर रखो। ये तीनों आसन मैंने आज आपको पेट के लिए बताए, आपकी पाचन क्रिया के लिए बेटर होगा ये, और पेट में आपको कुछ भी बीमारी हो या किसी भी चीज प्रकार का कुछ भी हो तो इससे, इस योग से, इन तीनों योग के आसन से आप बिल्कुल फिट और अच्छे रह सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर अगेन कुछ चीज अच्छी से लेके आऊंगा, फिर अगेन कुछ चीजें आपको मैं बताऊंगा। मैं जितने भी वीडियो भी ये आपके सामने बना रहा हूं या मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे की सारी, पहले मैंने आपको कमर दर्द के बारे में बताया, फिर मैंने आपको अपने पेट के लिए बताया है, अब फिर मैंने अपनी एक वीडियो में आपको आईज के लिए भी बताया, आंखों की रोशनी कैसे तेज होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और कुछ अच्छा लेके आऊंगा फ्रेंड्स, ये मेरा वादा है। ओके, बाय।